आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं साइनसाइटिस के बारे में। एक्चुअल में साइनसाइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और यहाँ पर कौन कौन से कॉजेज हैं जो साइनसाइटिस को कॉज करते हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर साइनसाइटिस के कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले यहाँ पर हम साइनसाइटिस को समझने से पहले हम थोड़ा सा साइनस के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में साइनस क्या होता है। यहाँ पर जो नोज होती है, नोज के अराउंड में फेशियल बोन्स होती हैं। इन फेशियल बोन्स के पास मॉइस्ट एयर स्पेस होता है या फिर कह सकते हैं कि एयर कैविटीज़ होती हैं, जिनको हम लोग साइनस बोलते हैं। यहाँ पर जो साइनस होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। पहला यहाँ पर है फ्रंटल साइनस, सेकेंड है सिफोनॉइड साइनस और जो थर्ड है वो है इथमोइड साइनस और जो फोर्थ है वो है मैक्सिलरी साइनस, जो कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि साइनसाइटिस क्या होता है। गाइस साइनसाइटिस के कंडीशन में क्या होता है कि जो साइनस होते हैं वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई वायरल कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साइनस में इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। ओके नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं साइनसाइटिस को कॉज करते हैं। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल है उसको अगर कोई कॉमन कोल्ड हुआ या फिर कोई एलर्जी हुई है जिसकी वजह से जो साइनस टिश्यूज़ होते हैं वो म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, म्यूकस के प्रोडक्शन को इनक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो साइनस है वो स्वेल हो जाते हैं। ओके यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन इनक्रीज होने की वजह से जो साइनस का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से साइनस में म्यूकस जो है ट्रैप्ड होने लगता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो साइनसाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो साइनसाइटिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एलर्जेंस भी होते हैं जो साइनसाइटिस को कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर होम डस्ट हो गया या फिर माइट्स हो गए या फिर कोई मोल्ड हो गए या फिर कॉकरोच हो गए, जो नोज या साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप्स की, कि जो साइनसाइटिस होता है कितने टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो है वो है एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है कि अगर लास्ट 4 वीक का इन्फेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट साइनसाइटिस। ओके नेक्स्ट यहाँ पर है सब एक्यूट साइनसाइटिस। सब एक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है कि लास्ट 4 to 12 वीक का अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं सब एक्यूट साइनसाइटिस। ओके नेक्स्ट यहाँ पर होता है क्रोनिक साइनसाइटिस। क्रोनिक साइनसाइटिस में क्या होता है कि अगर मोर देन 12 वीक का इन्फेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक साइनसाइटिस। नेक्स्ट यहाँ पर एक होता है रिकरेंट साइनसाइटिस। रिकरेंट साइनसाइटिस में क्या होता है कि अगर 1 ईयर के अंदर एक्यूट साइनसाइटिस के कई अटैक आते हैं तो उसको बोलते हैं रिकरेंट साइनसाइटिस। नेक्स्ट यहाँ पर अगर साइनस के टाइप्स के अगर बेस पर साइनसाइटिस को देखा जाए तो यहाँ पर फ्रंटल साइनसाइटिस हो सकता है, सिफोनॉइड साइनसाइटिस हो सकता है, इथिमोइड साइनसाइटिस होता है और यहाँ पर मैक्सिलरी साइनसाइटिस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की, कि साइनसाइटिस के कंडीशन में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जो साइनस है, साइनस एरिया में पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो चीक्स हैं, गम्स हैं, उनमें भी पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर साइनस एरिया में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, अगर वहाँ पर आप टेस्ट करेंगे तो टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी और जो साइनस एरिया है वो एडिमेटस देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पर एडिमा भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में सोर थ्रॉट देखने को मिलेगा, सोर थ्रॉट के साथ साथ बैड ब्रीथ देखने को मिलेगा और यहाँ पर पेशेंट में माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा, फीवर के साथ साथ पेशेंट को हेडेक होगा, कफिंग होगी और यहाँ पर एक्सेसिव नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सो गाइस ये कुछ साइन और सिम्टम्स है जो नेजल साइनसाइटिस के कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करें, इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा यहाँ पर जो नेजल टिश्यूज होते हैं उनका एग्जामिनेशन करवाते हैं और यहाँ पर जो है मेन टेस्ट है वो एक्सरे और सीटी स्कैन। जो साइनसेस होते हैं उनका एक्सरे करवाया जाता है और यहाँ पर सीटी स्कैन करवाया जाता है। इन सारे टेस्ट से जो है हम साइनसाइटिस का पता लगा सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की, कि साइनसाइटिस के कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में यहाँ पर कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक में जैसे कि यहाँ पर एम्पिसिलिन दिया जाता है, एमोक्सिसिलिन, या फिर क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो साइनसाइटिस के कंडीशन में प्रीफर की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स देते हैं। एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स जो होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को डीकंजेस्टेंट ड्रग दिए जाते हैं। जो डीकंजेस्टेंट ड्रग्स होते हैं ये नोज के अंदर कंजेशन को रिड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गाइस कुछ स्टीम इन्हेलेशन करवाया जाता है जिससे ब्रीथिंग में इम्प्रूवमेंट मिलता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये कुछ मेडिकेशंस हैं, मैनेजमेंट है जो साइनसाइटिस के कंडीशन में दिया जाता है। सो आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।